जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानकाह डोगरा में भी जश्न आज़ादी का दिन मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। म्यूनसिपलिटी खानकाह डोगरा में एक पूर्व वकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जहां पर परचम कुशाई भी की गया और केक भी काटा गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत किया। इसमें सीओ टाउन कमेटी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आज के हवाले से ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे जी आज के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम दिन है हमारी, यहाँ पे एक परचम कुशाई की बेहतरीन तकरीब हुई है, जिसमें पुलिस ने सलामी भी दी है और बाकी भी तमाम मौज़ीन शहर ने शिरकत की है। तो मैं आज शहीदों को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया है, और मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि हमें अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर कोशिश जो है ना वो सर तोड़ कोशिशें करनी चाहिए कि ताकि ये मुल्क जो है ना तरक्की करे। मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे जी इस सवाले साहब। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अब खानकाह डोगरा समेत पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और दूसरा टाउन कमेटी इंतजामिया को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज की परचम कुशाई की तकरीब में शहीद के बच्चों को बुलाया। इसलिए हमें भी अपनी इस्तेआत के मुताबिक पाकिस्तान के फलाह के लिए, इसके अच्छे के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान दुनिया में भले फड़े फुड़े। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, आज की तकरीब का मकसद यही है कि यह 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हो और ज़िंदा कौमें अपना जो आज़ादी का दिन मिली जोश व जज्बे के साथ ही मनाया करती हैं। जी।